आज से 6-7 साल पहले उस दिन सुबह के लगभग 9:30 बजे मैं एक बस से किसी गांव में जा रहा था। मेरे हाथ में एक भारी बैग भी था। लगभग 10 बजे मैं उस जगह पर पहुंचा। मैं बस से नीचे उतरा और गांव की पक्की सड़क पे जब मैं चलने लगा तो मैंने महसूस किया कि मैं जो अपना कदम रख रहा हूं, जहां रखना चाहता हूं वहां नहीं जा रहा। मेरा जो माइंड है वो मेरे कदमों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं है लेकिन है, मैं महसूस कर सकता। अचानक मेरा दिमाग प्रोसेस होने लगा, दिमाग सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करने लगा और मुझे मेरे दिमाग ने बताया कि शायद मैं कमजोर हो गया हूं और मुझे तुरंत कुछ खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाया, देखा एक छोटा सा होटल है गांव का। अब सुबह 10 बजे वहां क्या कुछ मिल पाएगा? मैंने होटल में जाके पूछा क्या कुछ मिल सकता है खाने के लिए, तो होटल वाले ने मुझे बोला अभी सिर्फ चिकन और चावल रेडी है, आप चाहें तो खा सकते हैं। तो मेरा दिमाग खुश हुआ, मैंने चिकन और चावल खाया और सोचने लगा शायद मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काम करने के दौरान मैं सोचता रहा कि एक बार चिकन चावल खाने से कुछ नहीं होगा, मुझे बार बार ही कुछ अच्छा खाते रहना पड़ेगा। अब अच्छा क्या खाऊं? मेरे सामने से कोई केला वाला निकल जाए तो मैं एक केला खरीद के खा लूं, कोई पकोड़े तलने वाला गुजरे तो मुझसे पकोड़े खरीद के खा लूं। मैंने रेडीमेड लस्सी भी उस दिन 2-3 गिलास पिया। शाम के वक्त मैंने एक मिठाई की दुकान में बैठ करके रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाए। जब मैं वापस लौट रहा था जहां मैं रहता था, मैं एक रिलेटिव के घर में रुका हुआ था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है, क्या परेशानी। तो मेरे स्टेशन पे थोड़ा ट्रेन से गुजरना पड़ता है, ट्रेन स्टेशन पे उतर के एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास मैं पहुंचा। उन्होंने भी मुझसे यही कहा शायद मुझे गैस की परेशानी है और मैं थोड़ा कमजोर हो गया, इसलिए मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए। थोड़ा मैं रिलैक्स फील करने लगा। उन्होंने मुझे 20 रुपीज की दवाई दी, 20 रुपए में छोटा सा लिक्विड दिया कि ये कुछ कुछ ड्रॉप पानी में मिला के मुझे लेना। अब क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया था कि मैं कमजोर हूं, मेरा खाना पीना ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के क्लिनिक से निकल के भी मैंने एक एग रोल खरीद लिया। आटा मैदा जिस चीज का भी बना था, रबड़ी, वो रबड़ जैसा और लोकल तेल में तला हुआ, शायद पाम ऑयल में ही तला हुआ हो। क्योंकि खाने के लिए बोला गया है तो मैंने एक और रोल लिया और खाते हुए मैं अपने घर की तरफ पैदल पैदल जा रहा हूं और सोच रहा हूं कि भगवान मुझे ठीक कर दे, मुझे बहुत काम करना है। मैं घर पहुंचा, ये वही घर है मेरे रिलेटिव का जहां मैं रुका हुआ हूं। सर्दियों के दिन है, सारे काम निपटाने के बाद जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचा तो मैं महसूस कर सकता था कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरे शरीर में कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आ रही है। लगभग आधी रात के समय मैंने महसूस किया कि जहां पे लीवर सिचुएटेड है, राइट साइड में रिब्स के नीचे, वहां काफी डिस्कम्फर्ट है। मैंने वहां हाथ लगाया तो काफी गर्म महसूस हुआ वो पोर्शन। मैंने दूसरे साइड में हाथ लगाया चेक करने के लिए तो दूसरा साइड मुझे गर्म नहीं लगा। मैंने पूरे बॉडी का टेम्परेचर ऑब्जर्व करने का कोशिश किया,
लेकिन जहां पे मेरा लीवर है वहां का टेम्परेचर मुझे ज्यादा लग रहा। पहले ही नींद उड़ी हुई थी, अब मेरी नींद और उड़ गई। मुझे लगा कि मुझे कुछ बड़ा नुकसान हो गया है, ऐसा लगता है। अब मैं क्या करूंगा? पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह मैं उठा, फ्रेश नहीं था। मैं सुबह सोचने लगा कि मुझे कितनी सारी परेशानी है। कमर में दर्द मुझे है, हेयर फॉल मेरा हो रहा है, स्किन का ग्लो खत्म हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, और अब मेरे लीवर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि लीवर के साइड में डिस्कम्फर्ट है। अच्छा, मजे की बात सोचिए, जिस घर में मैं रह रहा हूं वहां पे एक व्यक्ति कुछ ही महीने पहले एक्सपायर हो गया है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो गया था। अब मैं उसी घर में रह रहा हूं। अब मेरे सिचुएशन में सोचिए कितना मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अब मैं छटपटाने लगा कि मुझे यहां से जाना है, मुझे यहां से जाना है, मुझे क्या हुआ है मालूम नहीं, मुझे जाना है। मगर काम कंप्लीट किए बगैर मैं जा भी नहीं सकता। मैं इवनिंग में एक दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा। खाना पीना तो खैर मैंने बेतरतीब तरीके से थोड़ा बढ़ा ही दिया था। मेरी आंखों के सामने जो आ जाए और खाने लायक हो मैं खरीद के खाने लगा था, जिसमें लस्सी और मिठाइयों की मात्रा ज्यादा थी। शाम को मैं जिन डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, उन्होंने काफी बातें की और उन्होंने भी मुझे बताया मुझे गैस है और कुछ नहीं है। उन्होंने भी 20 रुपीज की दवाई दे दी। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ होता ही ऐसा है। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है मालूम नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और वो 20 रुपीज की दवाई देते हैं, क्योंकि गाँव में 20 रुपये बहुत होता है। जब तक काम खत्म नहीं हुआ मेरा यहाँ से, मैं वहीं रुका रहा, लेकिन मैं परेशान रहा। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद भी सारे लोग मुझसे कहने लगे कैसी शक्ल बना गया है। मैं 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं थी। मैं मन ही मन सोचता रहा कि मुझे हुआ क्या। थोड़ा सा मैं मन ही मन हिचकिचा भी रहा कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं, कोई टेस्ट कराए और कोई गलत रिपोर्ट आ जाए तो मैं क्या करूंगा, क्या बताऊंगा। फिर भी 7 दिन घर में रहने के बाद, जो 7 दिन मैं घर रहा, मेरे में एनर्जी नहीं थी बिल्कुल। मैं दिन भर पड़ा रहता था चुपचाप, शरीर में कोई एनर्जी नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं, मन में चिड़चिड़ापन और लीवर वाला प्रॉब्लम तो है ही है। उसके बाद मैं एक दिन डॉक्टर के पास पहुंचा, जो हमारे फैमिली डॉक्टर। उन्होंने मुझे लिटा लिया, सारा कुछ दवा के पेट वगैरह सब चेक किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में शायद कोई इन्फेक्शन है, मैं इसकी दवाई दे देता हूँ। साथ में उन्होंने ब्लड टेस्ट लिख दिया और साथ ही साथ उन्होंने मेरा चेस्ट का भी एक्सरे करने के लिए। अब ब्लड टेस्ट तो मैंने करा लिया। अब जो आम आदमी होता है, आम आदमी की सोच ऐसी होती है कि भाई मेरे प्रॉब्लम पेट में है तो चेस्ट का एक्सरे मैं क्यों करूं। तो इस आम आदमी वाली सोच से मैंने चेस्ट का एक्सरे नहीं कराया, ब्लड टेस्ट मैंने करा लिया। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया, जितना मैं समझ सका उसमें से, कि मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। अब गुड है कि बैड है मुझे मालूम नहीं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वो हाईलाइट करके दिया था। और भी चीजें थी लेकिन कोलेस्ट्रॉल मेनली मुझे समझ में आया। अब मैं सोचने लगा कि ये कोलेस्ट्रॉल कैसे ज्यादा हो गया। कहीं मैंने पढ़ा कि अगर लीवर में प्रॉब्लम हो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल घट भी सकता है। तो मेरे दिमाग में ये घुस गया कि भाई मेरे लीवर में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यही गर्म रहता है, यही डिस्कम्फर्ट रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा। अब लीवर का जांच कराना चाहिए मुझे। डॉक्टर ने मुझे चेस्ट का एक्सरे कराने के लिए कहा, लेकिन मैंने एक्सरे नहीं कराया, लेकिन मैंने अपने होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड जरूर करा लिया। जब अल्ट्रासाउंड मैंने करा लिया तो उसके अंदर आया फैटी लीवर ग्रेड 2, और जो टेक्नीशियन या डॉक्टर कहिए
उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के दौरान ही मुझे कहा था खाने पीने का ध्यान रखिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो अब मैं अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा एक्सरे कहाँ है, मैंने तो ये अल्ट्रासाउंड लिखा ही नहीं था। तो मैंने उनको बोला मैंने एक्सरे नहीं कराया, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है और इसमें कुछ आया है, आप देख लीजिए। उन्होंने वो रिपोर्ट निकाल के देखा, उन्होंने मुझे कहा कि फैटी लिवर ग्रेड 2 है आपको, और क्लियरली उन्होंने मुझे बोला कि मैं मेडिसिन फिलहाल लिख देता हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप एक आयुर्वेदिक दवाई किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए और अपने खान पान का और दिनचर्या का ध्यान रखें। मैंने वो दवाइयाँ खरीद ली और मैं सोचने लगा खान पान और दिनचर्या से क्या मतलब है। ये फिगर आउट करने के लिए भी मुझे समय लगा, खान पान और दिनचर्या, क्योंकि ये छोटे शब्द नहीं है, ये बड़े शब्द है। और मुझे ठीक होना था, डॉक्टर के कंसल्टेशन से मुझे ये पता लग गया था कि मैं ठीक हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिगड़ जाएगा मामला, मैं ठीक हो सकता हूँ। अब ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो मैंने वो फिगर आउट किया कुछ समय लगा के, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, अपने जीवन से कचरा बाहर निकाल के फेंकना है। कचरे का मतलब खाने में जो कचरा हम खाते हैं वो बाहर फेंक देना है, बिल्कुल निकालना कचरा। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, लाइफस्टाइल मतलब जीवन जीने की जो स्टाइल है, जीवन जीने की जो पद्धति है, या जैसा जीवन हम जीते हैं उसमें परिवर्तन करना है, मतलब अपने सोच में परिवर्तन करना है, मुख्य चीज है। तो अपने सोच में से भी कचरा निकाल के बाहर फेंकना। तो सबसे पहले मैंने दो काम किया, लिस्ट बनाया खाने का कचरा क्या क्या है जो मैं यूज करता हूं और उसको टोटली बाहर कर दिया। और दूसरा, सोच में भी अगर कोई कचरा है उसे पूरी तरीके से बाहर फेंकना है। अब दोनों को करने का मैंने अलग अलग तरीका अपनाया। खाने में मैंने हर वो चीज बाहर कर दिया जिसमें रिफाइंड लिखा होता है। खाने में मैंने हर वो चीज बाहर कर दिया जो नेचर ने मनुष्य के खाने के लिए नहीं बनाया है। खाने में मैंने 99% अभी भी 1% बचा हुआ था, 99% शाकाहार को इस्तेमाल किया, और वो शाकाहारी पदार्थ थे जो सीजनल थे, उसी सीजन में पाए जाते थे। बिना सीजन का शाकाहारी भी नहीं खाया मैंने। सीजन में मिलने वाला मैक्सिमम शाकाहारी खाना खाया, और क्योंकि मैं बचपन से ही नॉन वेजिटेरियन हूं तो वो 1% नॉन वेजिटेरियन मैं फिर भी खाता था। और इंसान की तरह खाया, जानवर की तरह नहीं कि सारे दिन चबाते रहे सारे दिन चबाते रहे। लोग बोलते हैं कि बार बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, नहीं, मेरा नियम दूसरा मैंने अपनाया कि भाई अगर मैं मेहनत का काम करता हूं तो मैं 3 बार खाऊंगा, और अगर मैं मेहनत का काम नहीं करता तो मैं 2 बार खाऊंगा, दोपहर का खाना रात का खाना। बीच में कुछ नहीं खाना, कोई नाश्ता नहीं, कोई स्नैक्स नहीं, कुछ उल्टी पुल्टी चीजें नहीं। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो और वीडियो में मैं खाने के ऊपर बनाऊंगा। आपको इमरजेंसी में जानना है वीडियो आने से पहले, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल करके जान सकते हैं। दूसरा, दिमाग का कचरा निकालने के लिए उपाय बड़ा कठिन है। सबसे पहला जो मैंने नियम बनाया, जो नेचर में आपको हर कहीं देखने को मिलेगा, यहां तक कि पेड़ पौधों में भी मिलेगा, सूरज डूबता है
तो सो जाइए और सूरज उग रहा है इसे देखने के लिए जग जाइए। डूबते हुए सूरज को भी देखिए और उगते हुए सूरज को भी देखिए, मतलब जल्दी सो जाइए और जल्दी उठ जाइए, नियम है ये पहला। दूसरा, ध्यान कीजिए, कोई तपस्वी नहीं बनना है, बहुत आसान है। सुबह जल्दी उठ जाइए, पार्क में जाइए, घर की छत पे जाइए, या जहां पे भी आपको शांति मिलती है वहां जाइए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। किसी से अगर दुश्मनी है उसको बोलिए, हे भैया मुझे तुझसे दुश्मनी नहीं निभाना है, मुझसे अगर कोई गलती हुई है मुझे माफ कर दे और दोबारा मुझे दोस्त बना ले, ध्यान में कहिए। और अगर पर्सनली मिलके कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग शर्माते हैं, नहीं बोल पाते, सॉरी नहीं बोल सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा प्राणायाम मैंने टेलीविजन देख देख के सीखा, वो कीजिए, वो मैंने किया, और हल्के फुल्के जो योगा है उसके एक्सरसाइज है, वो हल्का फुल्का जो मुझे आता है वो मैंने किया। कोई हैवी एक्सरसाइज मैंने नहीं किया और ना ही मैं समझता हूं कि करने की जरूरत है। लेकिन ये जो कचरा ना खाने का मैंने नियम बनाया और जो ये दिमाग से कचरा बाहर करने का जो ये मैंने सोचा, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली फॉलो करना। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, कौन सी बीमारी आपको हो जाएगी आपको स्वयं को भी मालूम नहीं चाहिए। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने मुझे दो दवाइयां दी और उन्होंने क्लियरली मुझे कहा कि ये फैटी लीवर रिवर्स करने की दवाइयां नहीं है, लीवर को हेल्दी रखने की है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और जो दिनचर्या आप पालन कर रहे हैं इसको करते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली जीवन में इन चीजों को अपनाया। कुछ ही महीनों में मुझे समझ में आ गया कि शायद मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे अब वो परेशानी नहीं है, मेरा डाइजेशन ठीक हो गया है, कमर में अब दर्द नहीं है, लीवर वाले पोर्शन में अब कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है, मेरा हेयर फॉल होना बंद हो चुका है और स्किन का जो ग्लो मेरा चला गया था वो भी वापस आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि जब ये सब कुछ वापस रिवर्स होने लगा मैं वापस दोबारा उस कचड़े वाली जिंदगी में चला जाऊं, नहीं, जीवन में जो आप एक बार सीख लेते हैं अच्छे के लिए उसको आपको जीवन पर्यंत फॉलो करना चाहिए। एक निरोगी जीवन, एक स्वस्थ जीवन अगर आपको जीना है, एक मजेदार जीवन आपको जीना है तो आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। पहली तो बीमारी होगी नहीं और अगर हो भी जाए तो वो रिवर्स करने की क्षमता हमारे शरीर में है। पर हम गड़बड़ क्या करते हैं, सोच में भी कचरा भरते हैं, बहुत माध्यम है उन सभी माध्यमों से, और खाने में तो दिन भर कचरा ही खाते हैं। लगभग 3.5 महीने के समय में मैंने पूरी तरीके से रिवर्स कर लिया था। तब मुझे मालूम नहीं था मैं कभी ऐसा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और परेशान हैं, तो क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं जिससे लोगों को फायदा हो। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया खाने के ऊपर और दिमागी कचड़े के ऊपर, डिटेल में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ भी जानकारी इससे मिली होगी, आप उसका फायदा उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और आनंदमय जीवन बिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।